इंद्री में गेहूं की खरीद की व्यवस्था को लेकर आरटीओ और मार्केट कमेटी के सचिव में तनातनी हो गई है। इस खरीद व्यवस्था को लेकर इंद्री हलके के आरटीओ ने विरोध प्रकट करते हुए धरना प्रदर्शन किया, साथ ही प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। मामले को बढ़ता देख मार्केट कमेटी सचिव हकीकत राय ने मंडी आरटीओ से मुलाकात की। इस मौके पर आरटीओ ने सचिव पर दुर्व्यवहार करने व गेहूं खरीद में धांधली किए जाने के आरोप लगाए। आरटीओ ने सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब वे लोग सचिव से कार्यालय में मिलने जाते हैं तो वो सही ढंग से बात नहीं करते हैं। वहीं सचिव मंडी प्रधान के साथ मिलकर अपनी चहेते किसानों के पास गेहूं लेने के मैसेज भेज रहे हैं। मंडी के पूर्व प्रधान व भाजपा नेता रघुवीर बतान ने सचिव पर आरोप लगाया कि सचिव अपनी ड्यूटी सही ढंग से नहीं कर रहे हैं और जनता में सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, इसे तुरंत यहां से बदल देना चाहिए। कई आरतियों का आरोप है कि ऐसे किसानों को फोन पर मैसेज भेजे जा रहे हैं जिन्होंने अभी अपनी फसल काटी भी नहीं है। वहीं किसी आरती के पास पिछले दो दिनों से लगातार गेहूं आ रही है। वहीं कई ऐसे आरती हैं जिनके पास एक भी गेहूं की चाली गेहूं नहीं आई है। इन सबका कहना है कि एक तरफ तो कोरोना महामारी की मार पड़ी हुई है, वहीं मौसम भी रोजाना खराब हो जाता है। रोजाना मौसम खराब होने व बारिश हो रही है जिससे किसान व आरती दोनों परेशान हैं। सरकार को चाहिए कि गेहूं खरीद का सिस्टम ठीक ढंग से बनाया जाए। इस मौके पर पहुंचे डीएसपी रणधीर सिंह ने कहा कि नए सिस्टम को लेकर आरटीओ में कुछ रोष है, यह समस्या मिल बैठकर सुलझा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में सभी को सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने अपना काम भी करना है और कोरोना को भी हराना है। काफी देर के हंगामे के बाद एसडीएम से बैठक कर आरटी इस बात पर सहमत हुए कि अब सभी आरटी अपने उन किसानों की जिन्होंने अपनी फसल काट ली है की एक लिस्ट बनाकर मार्केट कमेटी अधिकारियों को देंगे तथा उसी हिसाब से किसानों को गेहूं लाने के मैसेज भेजे जाएंगे। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ, मैं 2 साल इंद्री मंडी का प्रधान रहा, परंतु आज की व्यवस्था देख करके मुझे दुख हो रहा है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, परंतु आज इस सेक्टरी ने इंद्री में जो मार्केट कमेटी का सेक्टरी है इसने सारा मंडी का वातावरण बिगाड़ दिया। जब एक एसोसिएशन का फैसला हुआ था भी जितने भी हम आरती हैं एक आरती के पास एक किसान आएगा, यह तय हुआ था भाई, कोई लॉकडाउन को देखते हुए उसका भी ठीक सिस्टम चलता रहे, परंतु इस व्यक्ति ने, भ्रष्ट व्यक्ति ने किसी की बात मानी। एक आरती के पास जिसके चहेते हैं उनके पास दो दो किसान आते हैं और एक के पास आते एक दाने नहीं तोड़े बिल्कुल भी। ये हमारी सरकार को बीजेपी को बदनाम कर रहा है, ये गलत आदमी है, गलत लोगों से मिला हुआ है। और नंबर दो, मैं बड़े दुख से कहता हूँ, जो फूड सप्लाई एजेंसी है उसने जब अब तक आर्त नहीं दी, मजदूरी नहीं दी, पैसे नहीं दिए, काय को खरीद करता है? इसकी खरीद बंद करी जाए, बल्कि स्टेट वेयर हाउस को या फड़को दिया जाए। फूड सप्लाई का तो खरीदने का हक है ही नहीं, जब पिछले पैसे नहीं दिया हमारे आगे क्या देगा, क्या यकीन करे फूड सप्लाई का, क्या बातें करे? ये काली कागजों बातें करते हैं, ये किसी की मानते नहीं, यहाँ सारे परेशान हैं। इस व्यक्ति ने मार्केट कमेटी और भी गड़बड़ करी। हमने सीरियल वाइज बना करके क्रमांक नंबर 1, 2, क्रमांक 2 ऐसे एक सिस्टम दिया था भी, प्रोटोकॉल बनाया था भी, इनके पास मैसेज आएगा, परंतु हमने पता था किसकी तैयार है फसल, किसकी नहीं है। इसने अपनी मर्जी से लॉटरी सिस्टम बना दिया, जिसकी फसल भी तैयार नहीं है उसने मैसेज भेज दिया, वो आ नहीं सकते, जिसकी तैयार है वो ले नहीं सकते, तो सारा माहौल बिगाड़ रखे। मेरा तो कहना है इसको सस्पेंड करा जाए, यहाँ से निकाला जाए और ठीक लोगों के सहमति के अनुसार जो मौजूद ठीक व्यक्ति जो परिचित व्यक्ति जानते हैं सारे बारे में उनकी राय से अनुशासन से मंडी चलाया जाए, नहीं तो लोग आर्थिक किसान सारे सड़कों पर आएंगे, लॉकडाउन का बहुत मामला गड़बड़ होगा। मैंने दुख का बड़ा विषय है ये, डीएफएससी का पिछले पैसे नहीं दिए, अभी हमारी मीटिंग होगी, अगर ये मैं पहले तो कह नहीं सकता, ये तय करेंगे हम, अगर कोई निर्णय हुआ तो इसको भी हम खरीदने नहीं देंगे इंद्री में, बिल्कुल मंडी में ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल। नहीं, कुछ इनकी प्रॉब्लम है क्योंकि नया सिस्टम लागू आ रहा है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो अभी हम आए हैं, इनकी जो भी प्रॉब्लम है इनको हम दूर करेंगे, इसको चलाना है काम, स्मूथली चलाना है यहाँ काम। तो व्यवहार को लेकर के भी सेक्टरी के व्यवहार पे भी सवालिया निशान खड़ा करने के बदतमीजी से बोलते हैं? नहीं, यदि देखो व्यवहार तो सभी ऑफिसर का अच्छा ही रहना चाहिए और हम उम्मीद करेंगे वो भी अच्छा ही करेगा, यदि वो गलत करेगा तो उसको भी कहेंगे, ऐसा तो टॉयलेट है ही नहीं, किसान के साथ तो गुड भी होना चाहिए। अच्छा सर, मतलब कोई जो योजना बनाई गई थी उसमें कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही कि उस किसान के पास भी मैसेज चलेगा जिसने अब तक कटाई भी नहीं की? नहीं, एक्चुअली ना अभी जब नया सिस्टम लागू हुआ उसमें 2-3 दिन उसको स्मूथली चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो 1-2 दिन में स्मूथली चल जाएगा, फिर कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं आनेगी। यहाँ PCR यहाँ राउंड दी क्लॉक 24 घंटे यहीं रहती है, बाकी अपने गेट पर भी 3-4 आदमी लगा रखे हैं,
और कुछ ज़्यादा जरूरत होती है तो SHO भी आता है, मैं भी आता हूँ, मैं खुद खड़ा हुआ हूँ। तो लॉकडाउन का सही से पालन उसके लिए कुछ दिशा निर्देश? हाँ, उनको लोगों से अपील कर रहे हैं, लोग अवेयर भी हैं भी कम से कम 4 दिन की दिक्कत है वो दूर करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग रहे, दूर दूर रहें उसमें। हाँ, सभी को कहा यहाँ मास्क डालें, और मास्क नहीं है तो अपना परना वगैरह मुँह पर रखें, खुला मुँह कोई नहीं रखे, किसी को अलाउ नहीं करें। लॉकडाउन होने की वजह से पहले ही 10-15-20 दिन लेट आई फसल, लेट आ रही है, जबकि 10-15 दिन पहले आनी चाहिए थी। इन्होंने जो पॉलिसी बनाई, इन्होंने पहले तो मांगे सीलर आदमी के हिसाब से 10, भाई आप अपने 10 आदमी दो भाई जी हर दुकान से, वो दे दिए। उसके बाद इन्होंने कहा ऐसे नहीं काम चलेगा, और भाई सारे दो आप जिसके पास, मतलब जितने आड़ती हैं जितने भी ग्राहक हैं ना, एक आड़ती सारे दो, हमें उस सब ने लिख के वो दे दिए। अब ये नहीं पता इनकी पॉलिसी क्या है, किसी को जिसका 20-4 बोरी आनी थी उस पर एक दाना नहीं आया है, किसी बात रोज दो दो अरे ये क्या, ये समझ में नहीं आ रहा हमारा क्या माजरा है। तो अब देखो हमारा सेक्टरी होता है, सेक्टरी नहीं चाहिए तो इसे तो हम क्या कहेंगे भाई, कहीं ना कहीं दालमा काला यही है। तो व्यवहार को लेकर के भी कुछ लोगों के साथ व्यवहार ठीक ही होता था, यहाँ यहाँ ये पब्लिक क्यों इकट्ठी होती है, ये आरती भाई क्यों इकट्ठे होते हैं। लॉकडाउन में जितना कोऑपरेट हमारी एसोसिएशन, हमारी अनाज मंडी, हमारे सब भाई कर रहे हैं सरकार के साथ, लेकिन हमारा साहब यहाँ सबसे गलत हो रहा बिल्कुल। अब तो कब गिरेगी जी फसल, कैसे आएगी? ऊपर से भगवान रूठ रहा, ऊपर भगवान का नहीं पता कब क्या कर दे। तो इन्होंने अपना सिस्टम सुधारना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए सही। सह तो बहुत है जी, उसका कोई हल नहीं निकाला जा रहा। जैसे कि सारे आड़ती भाई यहाँ इकट्ठे हुए थे, प्रधान की जिम्मेवारी बनती थी भाई यहाँ के, मैं देखूँ भाई मंडी में क्या हो रहा है क्या नहीं। प्रधान जी ने अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा और वहाँ यहाँ तक अब तक नहीं आए हैं, तो उनको अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए आड़ती भाई होकर इकट्ठा करके, भाई क्या बात है आप क्यों इकट्ठे हो रहे, कुछ कारण पूछो, हल करूँगा मैं सेक्टर से मिलूंगा, तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.